सास, माँ, बहू और बेटी। नहीं नहीं, ये कहानी इन सारे के सारे रिश्तों की नहीं, बल्कि दो रिश्तों में ही सभी रिश्तों के होने की है। अरे बहू, मेरे और तेरे ससुर जी की रोटी मत बनाना, मैं बना लूंगी, दिन तक ठंडी हो जाती है। बहू जो की एक वर्किंग लेडी थी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से कपड़े में लपेट देती हूँ ना, आप क्यों मेहनत करेंगी, माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अरे नहीं बहू, मेहनत मत कर, वैसे भी ऑफिस में कम मेहनत होती है क्या, जा रहने दे। लेकिन बहू मानती नहीं, वो सास ससुर की रोटी बना कर ही जाती है। दोपहर में खाने के वक्त ससुर जी कहते हैं, अरे बहू को रोटी बनाने के लिए क्यों मना कर दिया, क्या हो गया, ठंडा ही तो खाते आए हम लोग हमेशा से। अरे वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाती है, घर का सारा काम करने में वक्त लग जाता है, अरे थकती है वो अलग, तो मैंने सोचा बहाने से ही थोड़ा कम काम करवाऊं। ससुर मुस्कुरा रहे होते हैं, ये तो अच्छा है, बहू को समझना जरूरी है। वक्त बीत रहा था, घर में सब खुश थे कि एक दिन, माँ जी आप शाम को थोड़ा टहलने निकला करें, घर पर रह रहकर हड्डियां जाम होती है, पापा को भी ले जाया करिए, मैं वक्त पर तो आ जाती हूँ। बहू ठीक 5 बजे ऑफिस से घर आ जाती है, फिर चाय नाश्ता बनाकर सास ससुर के साथ बैठती, उन लोगों को सारा दिन का हाल बताती। रात को पति घर आता है, क्या बात है बेटा, ऑफिस से आकर कभी हम लोगों के साथ भी बैठा कर। अरे माँ, दिन रात काम करके मन ही नहीं करता, अगले दिन की फिर तैयारी होती है, आप और पापा ही कमरे में आ जाओ। इससे अच्छी तो बहू है, कितना भी थकी रहे घर आकर हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर बातें करना, बहू ना होती तो हम बुड्ढा बुढ़िया तो बैठे ही रह जाते। सास और ससुर अब बहू के कहने पर शाम की सैर पर निकलने लगते हैं। सास की कई सहेलियां बनती है तो ससुर को भी कुछ बुजुर्ग लोगों का ग्रुप मिल जाता है। कैसा रहा सहेलियों के साथ शाम का वक्त, हम लोगों ने तो भाई खूब योगा किया। अरे हम लोगों को गप्पों से फुर्सत ही नहीं होती, वैसे मिसेस मल्होत्रा आज बहू के बारे में कुछ बोल रही थी। तभी वहाँ ऑफिस से बहू आ जाती है जो जींस और टॉप में होती है। क्या बात है माँ, क्या कह रही थी आपकी सहेली आपकी बहू के लिए। सास इस बार बहू को कुछ अलग तरीके से देखती है और उल्टा सवाल ही दाग देती है। क्या कह रही थी वो हटा, ये बता तेरे ऑफिस में तो मर्द भी काम करते होंगे ना। बहू जो अब तक मजाक कर रही थी वो सीरियस हो जाती है। मर्द होंगे नहीं माँ जी, मर्द ही ज्यादा है, हम 5 ही लड़कियां हैं ऑफिस में। अरे तो अच्छा लगता है क्या ऐसे कपड़े पहनती हो, कल से तुम ना साड़ी पहनकर ऑफिस जाना, और हाँ शाम का नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया करो, नाश्ता बनाकर बाद में ही ऑफिस के कपड़े चेंज करने जाना। बहू को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, सीधे किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाती है और सास ससुर को दे देती है। अगले रोज बहू ऑफिस के लिए तैयार होती है तो खूब सुंदर सी साड़ी पहनती है और ऑफिस के लिए निकलने से पहले सास और ससुर के पैर छूती है और निकल जाती है। क्या बात है, आज मेधा के ऑफिस में लग रहा है कोई फंक्शन है। अच्छा पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं, वैसे तो सारी बात करती रहती है। अरे देखा नहीं कैसे साड़ी पहनकर जा रही थी। अरे वो तो मैंने ही बोला है उसे। अरे अच्छा लगता है क्या रोज रोज ऐसे सूट या जींस में जाना, बहू हो बहू बनकर रहो, और आप भी ना मेधा मेधा मत किया करिए, बहू बोला करिए, सर पर चढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सास अब बहू को बहू जैसा रखने लगती है, हर बात पर रोका टोकी, हर बात पर ताने। क्या बात है, आजकल लेट आ रही हो ऑफिस से, अरे चाय के लिए भी देर हो जाती है, हम लोग फिर पार्क में भी देर से पहुंचते हैं, सभी की बहुएं वक्त से चाय नाश्ता करा देती है अपने सास ससुर को, बस एक तू ही है जो उस वक्त ऑफिस से निकलती है। माँ जी वो एक रास्ता पुलिस वालों ने न जाने क्यों बंद कर रखा है, जिसके कारण ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, मैं कोशिश करूंगी कल वक्त से पहले निकल जाऊं। ससुर देख रहे होते हैं कि बहू अब परेशान सी रहने लगी है। एक रोज, मेधा बेटी मेधा। जी पिताजी। बेटा देख जरा कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है, वो क्या है ना शाम को सब बदल बदल कर टी शर्ट पहनता है, मैं भी सोच रहा हूँ कि आज कुछ अच्छा सा पहन कर जाऊं।
हाँ पिताजी, ये सही है। ये लाल वाली ना बहुत जचेगी आप पर। मेरे पापा पर भी डार्क रंग बहुत जचता है। क्या चल रहा है? अरे ससुर के सामने घूंघट तो छोड़ो, ऊपर से रंग बताया जा रहा है टी शर्ट का। अरे बहू, कोई संस्कार दिए नहीं है क्या तेरी माँ ने? बहू इस बार बहुत निराश हो जाती है। वो वहां से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। अब बहू घर का सारा काम करती, ऑफिस जाती, लेकिन साड़ी और सर पर पल्ला लेकर। एक बार पड़ोसन उनके घर आती है। वाह सुमित्रा बहन, बहू का तो रूप ही बदल दिया। ठीक किया, बहू बहू जैसी ही अच्छी लगती है। अच्छा चलती हूँ मैं। पड़ोसन के जाने के बाद सास बड़ी अकड़ के साथ कहती है, देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने मेधा बहू को कंट्रोल में कर लिया। अब बारी ससुर के बोलने की थी। हाँ सुमित्रा, बिल्कुल ये काम तो किया है तुमने, लेकिन कभी सोचा क्या खो दिया? क्या खो दिया? मैंने तो कुछ नहीं खोया जी। खोया है? पहले बहू जब ऑफिस जाती तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें गले लगाती, लेकिन अब सिर्फ पैर छूती है। हाँ जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। पहले घंटों हम लोगों से बात करती, कमरे में ना जाती, ऑफिस से आते ही खुद की चाय, खाना, नाश्ता सब हम लोगों के साथ करती, सारी बात बताती। लेकिन क्या तुम्हें पता है बहू की तबीयत खराब चल रही है, वो माँ बनने वाली है। ये बात मुझे बेटे ने बताई कि तुम्हें बता दूं। अब सास की आंख में आंसू थे। वो समझ गई थी कि लोगों के कहने में आकर उसने क्या खो दिया। शाम को बहू घर आती है तो माँ किचन में पकोड़े तल रही होती है। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं आ तो रही थी। अरे नहीं, जा तू चेंज कर ले, मैं नाश्ता और चाय टेबल पर ही लगा रही हूँ मेधा। सास के मुंह से अपना नाम सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, कोई गलती हो गई है क्या? मेरे होते हुए आप काम करे ये ठीक नहीं है। संस्कारी और समझदार बहू सास को माँ समझती है, लेकिन सास की बेवकूफी उसे सास ही बनाकर रखती है। बहू मुझे भी थोड़े संस्कार और समझदार बनने का मौका दे, जिससे मैं भी बहू नहीं बेटी को देखूं तुझ में। और हाँ, मेरा होने वाला पोता क्या कहेगा कि दादी ने तो मेरी माँ को बहुत परेशान किया। बहू सास को गले लगा लेती है। नहीं माँ जी, वो कहेगा कि माँ को तो दादी ने बेटी बनाकर रखा है।